हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। आप पढ़ चुके हो। आज हम चैप्टर के 5.1 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1 क्या है हमारे पास? एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। आपको दे रखा है कि एक्सप्रेस करके दिखाना है, 1 से 10 क्वेश्चंस तक को एक्सप्रेस करके दिखाना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। कैसे? देखो, फर्स्ट क्या दे रखा है, 5 आयोटा (-3/5 आयोटा) तो मल्टीप्लाई में 5 आयोटा (-3/5 आयोटा) 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -3, और आयोटा 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 स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या आ जाएगा, -3 (-1) क्या आ जाएगा, 3। इसको हम इसके फॉर्म में लिखेंगे तो 3 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, प्लस है, अब इमेजनरी नंबर नहीं है तो उसको क्या लिख देंगे, आयोटा 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। आयोटा 9 को हम ब्रेक करेंगे आयोटा 8 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा 19 को ब्रेक करेंगे आयोटा 16 मल्टीप्लाई आयोटा 3। हम कैसे ब्रेक करते हैं, जो भी हमारे पास दी होती है, क्योंकि आयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1, तो उसको हम आयोटा 4 की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। 4 का अगर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जहाँ 8, 4 4 जहाँ 16, तो आयोटा 8 मल्टीप्लाई आयोटा लिख दिया। आयोटा 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा 4 का स्केयर (आयोटा) पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 4 2 जहाँ 8 आ जाएगा ऐसे कैसे, और आयोटा 4 की 4 मल्टीप्लाई आयोटा 3। आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1, तो 1 का स्केयर करेंगे 1 आ जाएगा इंटू आयोटा प्लस 1 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब क्या होता है हमारे पास, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये स्केयर है, ये आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। इसको हम क्या लिख देंगे, 0 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट है आयोटा की पावर -39, इसको हम लेके आएंगे तो 1/(आयोटा की पावर 39) हो जाएगा। 39 को हमने ब्रेक कर दिया 4 से, तो 4 से अगर हम करते हैं 4 9 जो 36, तो हमने आयोटा 36 मल्टीप्लाई आयोटा 3। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 9, आयोटा 4 की वैल्यू है हमारे पास, आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 1 की पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा, -1/(आयोटा), बट हमें किस फॉर्म में लिखना है, a+(आयोटा b), इसलिए हम इसको कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, तो क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन, -1/(आयोटा) (आयोटा) डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों आयोटा से कर दिया, तो क्या आ जाएगा, -(आयोटा) और (आयोटा) (आयोटा) स्केयर, -(आयोटा) (आयोटा) का स्केयर क्या आता है, -1 - से - कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, आयोटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 3 × 7 + (आयोटा 7) + (आयोटा 7 + (आयोटा 7) अंदर करेंगे 3 7 जा 21, ब्रेक कर देंगे ना, 3 7 जा 21 + 3 7 जा 21 आयोटा + 7 आयोटा + 7 आयोटा स्केयर। अब 21 + 27 + 7 क्या आ जाएगा, 28 आयोटा + 7, और आयोटा स्केयर क्या होता है, -1, तो क्या आ जाएगा, 21 + -1 + 28 आयोटा, इसमें से माइनस करेंगे 14 + 28 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, 1 - (आयोटा) (-1 + (आयोटा 6) ये एज इट इज आ जाएगा, 1 - (आयोटा) - एज इट इज आ जाएगा। अब भी -1 + 6 आयोटा, इस माइनस को अंदर लेके गए तो क्या आ जाएगा, 1 - (आयोटा) - -(+1) - 6 आयोटा, 1 1 2 आ जाएगा, और 6 और 1 7 - 7 आयोटा ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/5 + (आयोटा 2/5) - -1 + 4 + (आयोटा 5/2) 1/5 + ये आपको एज इट इज़ दे रखा है। अब आयोटा क्यूब टर्म्स को एक साइड करेंगे और दूसरे को अलग ब्रैकेट के अंदर ओपन कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, 1/5 + (आयोटा 2/5) - 4 - 5/2 आयोटा। अब इसको इकट्ठा करेंगे, 1/5 - 4, और बीच में प्लस कर दिया, 2/5 - 5/2 आयोटा। इसको करेंगे क्या आ जाएगा, 5 LCM आ जाएगा, 5 की ओर इसके करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 से 5 5 4 जा -20,
प्लस से दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 5 5 जा माइनस 25 आयोटा। अब 1 माइनस 9 20 क्या आएगा, माइनस 19 बाई 5, और 4 माइनस 25 क्या आएगा, माइनस 21 बाई 10 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 1 बाई 3 प्लस आयोटा 7 बाई 3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1 बाई 3 इंटू माइनस माइनस 4 बाई 3 प्लस आयोटा करूँ, ये एज इट इज़ लिख लिया। अब हम इसको ओपन करेंगे, 1 बाई 3 प्लस 7 बाई 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1 बाई 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल एक इमेजनरी, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, इमेजनरी को अलग। रियल में कौन आएगा, 1 बाई 3 प्लस 4 प्लस 4 बाई 3 प्लस आयोटा बाहर ले लेंगे और क्या आ जाएगा, 7 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 आ गया, 1 और 3 4 जाए 12 प्लस 4 प्लस आयोटा, और इसमें से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एलसीएम, हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 1 और 3 1 जा माइनस 3, 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17 बाई 3 प्लस आयोटा, 7 और 1 8, 8 में से 3 जाएगा 5 बाई 3, ये आ जाएगा आपके पास आयोटा ए प्लस आयोटा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 दे रखी है। अब इसको हम स्केयर का स्केयर लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा का स्केयर और पूरे का स्केयर, 1 माइनस आयोटा स्केयर क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, 1 का स्केयर 1 प्लस आयोटा स्केयर माइनस 2 आयोटा और पूरे का होल स्केयर कर देंगे। 1 आयोटा स्केयर क्या होता है, माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा का स्केयर माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, 1 बाई 3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। अब होल क्यूब ओपन कैसे करते हैं, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए हमारे पास क्या, 1 बाई 3 और बी हमारे पास 3 आयोटा इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। 1 बाई 3 का क्यूब क्या आएगा, 1 बाई 27 प्लस 3 का क्यूब 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया, 3 आयोटा इंटू 1 बाई 3 प्लस 3 आयोटा, 1 बाई 27 आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा, माइनस 27 आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, आयोटा और 3 3 जा 9 आयोटा स्केयर, 1 बाई 27 इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 26 आयोटा, माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस 9, 27 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस इन दोनों को इकट्ठा कर दिया 243 और माइनस 26 आयोटा, 1 माइनस 243 क्या आएगा, माइनस 242 बाई 27 माइनस 26 आयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, माइनस 2 माइनस 1 बाई 3 आयोटा होल क्यूब। अब इस पूरे में से देखो दोनों में माइनस है, तो दोनों में से माइनस 1, माइनस 1 की पावर कितनी है, 3 बाहर ले लेंगे, माइनस 1 की पावर 3, तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो जाएगा और उसका क्यूब, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1 होता है, तो माइनस बाहर ले लेंगे और क्या आ जाएगा, इसका क्यूब का ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला था ही, क्या कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। अब 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2 क्यूब प्लस 1 बाई 3 आयोटा क्यूब प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 बाई 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 1 बाई 3 आयोटा। 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 प्लस 1 का क्यूब 1 और 3 का 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 1 बाई 3 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बाहर ले रखा 8 माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 27 आयोटा प्लस 2 2 जा 4 आयोटा प्लस 2 1 जा 2 बाई 3 आयोटा स्केयर, माइनस बार है 8 माइनस 1 बाई 27 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 बाई 3 आयोटा स्केयर क्या होता है, माइनस 1 और माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 बाई 3 आ जाएगा। अब माइनस बार है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, 8 माइनस 2 बाई 3 प्लस 4 माइनस 1 बाई 27 आयोटा, इसके साथ भी क्या आएगा, आयोटा।
अब क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा, थ्री थ्री एट जाए 24, 24 में से 2 जाएगा 22/3 प्लस, अब इसका करेंगे 27, एलसीएम हो जाएगा 27 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 108, 108 में 7 जाएगा 107/27 आयोटा। इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस को अंदर लेके गए, माइनस 22/3 माइनस 107/27 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास 11, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज इक्वल टू 4-3 आयोटा। हमारे पास z एक कम दे रखा है नंबर कम, अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आपको बताया था जो भी आपके पास आयोटा के टर्म है उसको हम क्या करते हैं, उसके साइन को चेंज करते हैं तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो जेड हमारे पास क्या, 4-3 आयोटा, जेड का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4, और माइनस की जगह क्या आ गया प्लस 4+3 आयोटा। अब हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में और क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस निकाल देंगे। जेड का मॉडुलस क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट, 4 का स्केयर रूट बाहर लगा देंगे, 4 का स्केयर 16 प्लस माइनस 3 का स्केयर 9, 16+9 क्या आएगा 25 का रूट, और 25 का रूट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की क्या है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन्स जेड इनवर्स किसके इक्वल होता है, तो जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन जेड का मॉडुलस का होल स्केयर। तो इसका अगर हमने कॉन्जुगेट किया वो क्या आया 4+3 आयोटा, और ये हमारे पास किसके इक्वल आया था 25 के इक्वल आया था। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 आया था इसका स्केयर करेंगे तो 25 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ √5+3 आयोटा। जेड इज इक्वल टू आपको गिवन है, अब जेड का कॉन्जुगेट निकाल देंगे क्या आ जाएगा √5-3 आयोटा, इसके मॉडुलस का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर रूट लिखते हैं उधर हो जाएगा स्केयर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √5 का स्केयर प्लस माइनस 3 का स्केयर, √5 का स्केयर क्या आ जाएगा 5, और माइनस 3 का स्केयर 9, 5+9 14। जेड इनवर्स क्या आ जाएगा, जेड का कॉन्जुगेट अपॉन जेड का मोड स्केयर। अब जेड कॉन्जुगेट क्या था, √5-3 आयोटा बाई 14, √5/14-3/14 आयोटा। नेक्स्ट है 13, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। माइनस आयोटा दे रखा है, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आयोटा, एंड जेड का स्केयर मीन्स मॉडुलस का स्केयर तो ये क्या है -1, और कुछ है ही नहीं, -1 का स्केयर भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसका इनवर्स निकाल देंगे तो ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट अपॉन जेड मोड का स्केयर, जेड का कॉन्जुगेट क्या आयोटा बाई 1, और ये क्या आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ। इसको हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है, ये आपको दे रखा है। अब इसको करेंगे a+b (a-b), ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस माइनस आ जाएगा √iota √5 का स्केयर, और इसके जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर लेके आए √3+√2iota -√3 और -±+√2iota। 3 का स्केयर करेंगे, अब देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर माइनस √iota 5 का स्केयर, और बाई में क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √2iota। 3 का स्केयर 9 माइनस रूट का स्केयर कर देंगे 5iota² / √2iota, 9-5 और आयोटा का स्केयर क्या होता है -1, तो क्या कर देंगे हम 9-5 (-1/√2iota, -± + हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9+5/√2iota, 9+5 क्या आएगा 14/√2iota, 2 से हमने कैंसिल कर दिया 7 पे, तो क्या आ जाएगा 7/√2iota। अब इसको हम क्या करेंगे, आयोटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी आयोटा को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, अगर डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे तो उसको ख़त्म करने का एक ही ऑप्शन होता है रैशनलाइजेशन। क्या आ जाएगा 7/√2iota मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे न्यूमरेटर को और
डिवाइड भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 7√2i, और इसका क्या आ जाएगा, √2i का होल स्केयर, 7√2i। इसको स्केयर ओपन करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2i स्केयर। ऊपर एज इट इज आ जाएगा 7√2i, और नीचे हमारे पास 2i का स्केयर, हमारे पास क्या होता है, आयटा स्केयर आपके पास गिवन है -1, तो आयटा स्केयर की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर दी, ये हमारे पास आ जाएगा 7√2i, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 × -1। अब मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, 7√2i/-2 = इसको हम कैसे लिख देंगे, माइनस को नीचे की बजाय हम ऊपर लगाते हैं, -7√2/2i। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। ओके, थैंक यू।